भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। बता सकता कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा नंदी महाराज कि भोलेनाथ को ही पता नहीं कि भोलेनाथ कहाँ है ना? ऐसा तो नहीं होता है देवीशी। हाँ, संभवता हुआ हो। आप कभी पूछना भोलेनाथ से। पूछूंगा? ये प्रश्न मैं पूछूं? आपसे मेरी कोई शत्रुता है देवीशी? मैंने तो आपका कोई अहित भी नहीं किया, आनंद से दिन बिता रहा हूँ। आपके मुख से नारायण का जाप सुनता हूँ, अपने मुख से ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, ये सब आपसे क्या देखा नहीं जाता? अच्छा नंदी, ये तो बताओ कि देवेश्वर गए कब है और लौटेंगे कब? क्या बताएं? एकाएक भोलेनाथ अदृश्य हो गए, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब लौटेंगे, इस विषय में मेरा ज्ञान तो शून्य हो गया। नंदी, तुम हमारे साथ रहकर भी हमारे स्वभाव से परिचित नहीं हो।
हम तो सदैव यहीं रहते हैं, कभी कहीं नहीं जाते। नारद, आज तो दलबल के साथ आए हो, कहो क्या प्रयोजन लेकर आए हो? भगवान, कैसा दल और कैसा प्रयोजन। नारद, तुम्हारे होठों की फैलती मुस्कुराहट बता रही कि अब तुम्हारी लीलाओं का भी फैलाव अवश्य होगा। प्रभु स्मरण, चित्त प्रसन्नता, लोक कल्याण और होठों पर मुस्कान, यही तो जीवन है प्रभु नारद का। हे त्रिकालदर्शी, तो बात रह जाती है प्रयोजन की। तो प्रभु, मूल विषय यह है कि सब उत्कंठित है ये जानने के लिए, हाँ इन सभी देवगण में मैं भी हूँ। हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अब आपके विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। हाँ देवेश्वर, सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। स्वयं आपने पार्वती की परीक्षा लेकर विवाह की स्वीकृति प्रदान की, तो अब विलंब का क्या कारण है? विलंब का कारण तो पार्वती के माता पिता ही जाने। हम तो पार्वती को दिए वचन अनुसार हिमालय भवन में उनकी पुत्री का हाथ और साथ मांगने गए थे, किंतु महाराज और महारानी ने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? ये कैसे संभव है? हिमालय राज परम ज्ञानी है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें चलकर उनसे चर्चा करनी होगी। पर हिमालय राज इस सत्य से भली भांति परिचित है कि उनकी पुत्री देवी पार्वती का विवाह आपके अतिरिक्त किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, फिर भला उन्होंने ऐसा विरुद्ध आचरण क्यों किया? अब इस विषय में हम क्या कहें, ये तो वही जाने, पर हमने जो कुछ कहा वो अक्षरशः सत्य है। अब आप स्वयं विचार कर लें और जो करना है वो अवश्य करें। मैं तो हिमालय राज का जमाता बनने के लिए तत्पर हूं। देवराज, हमें शीघ्र ही चलकर हिमालय राज को समझाना होगा। हाँ देवर्षि, अब तो यही एकमात्र उपाय और मार्ग है। हे त्रिकालदर्शी, हमें आज्ञा दे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नारायण नारायण। आप, स्वागत है आपका। देवराज, आपका भी स्वागत है। आए देवगण, आए, आप सभी का स्वागत है। सब कुशल मंगल है ना हिमालय राज? विधाता की असीम कृपा है देवर्षि, आप सभी पुण्य आत्माओं के दर्शन लाभ से मन प्रसन्न हो। सभी के मन को प्रसन्न करने का कार्य तो हमारा है ही हिमालय राज, किंतु हमारे मन को प्रसन्न करने वाला यहाँ कोई नहीं। इसके विपरीत हमारे मन को अप्रसन्न करने वाले से ही हमारी भेंट हो जाती है। ना कहें देवर्षि, आप आज्ञा तो करें, आपको किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है? नारायण नारायण, अर्थात आप अप्रसन्न करने के पश्चात प्रसन्न करते हैं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया देवर्षि। आपने भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया हिमालय राज। भगवान शिव को द्वार से लौटा दिया? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? देवराज, इंद्र सत्य ही कह रहे हैं हिमालय राज। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, शिव पार्वती विवाह समीप आ रहा है, इसीलिए भगवान शिव जब आपके द्वार पर आपकी पुत्री का हाथ मांगने हेतु आए थे तो आपने उन्हें खाली हाथ लौटा दी। ये आपने उचित नहीं किया हिमालय राज। हाँ हाँ देवर्षि, एक नट अवश्य आया था। वो कभी परम पिता ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता था तो कभी भगवान विष्णु का, और उसने शिव का रूप धारण कभी नहीं किया। वो नट था देवऋषि, शिव नहीं थे। भला शिव को नट का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? और देवऋषि, यदि भगवान शिव ने हमारी पुत्री का हाथ मांगा होता तो हम अवश्य विचार करते, पर एक नट के अनुचित आचरण को हम कैसे सहन कर सकते? नारायण नारायण, अर्थात
भगवान भोलेनाथ अपनी लीला दिखा आ गए। भगवान शिव नटवन कराए थे। अब सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है। शिव जी ने जो कहा वह सत्य नहीं था। सत्य भी नहीं था, उन्होंने तो बताया ही नहीं कि वे यहाँ नट बन कर आए थे। उचित है, नट बन कर आए थे, परंतु आए तो थे। हिमालय राज, आप शिवलीलाएं नहीं समझ पाए, इसके लिए दोष किसे दे? यदि समझ जाते तो कुशल ही कुशल होता। परंतु देवर्षि, आप क्या होगा? आप नारायण नारायण, हिमालय राज को स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उन्हें मनाना होगा। यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। हाँ हिमालय राज, आप सावधान रहें और स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें, और ये तभी होगा जब आप शिव जी को मना लें। हिमालय राज, अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद और देवराज इंद्र के कथनानुसार भगवान शिव ही नट के रूप में आए थे। यदि शीघ्र समस्या का हल न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु प्रश्न यह है कि भोलेनाथ का अपमान करने के पश्चात मैं किस प्रकार से उन्हें समझा पाऊंगा कि वे पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस दुविधा का क्या हल हो सकता है? क्या हल हो सकता है स्वामी? किस दुविधा में है? दुविधा यह है महारानी कि भगवान शिव हमारे यहां आए थे नट के रूप में। हमने उन्हें पहचाना भी नहीं और अपशब्द भी कहे। तो इसमें दुविधा कैसी? यदि हम उन्हें पहचान नहीं सके तो इसमें हमारा क्या दोष है? है महारानी, है। भगवान शिव ने बार बार संकेत किया कि मैं शिव हूं, ब्रह्म भट्ट हूं, नटेश्वर हूं। जगत मुझे परमात्मा के रूप में जानता है। मेरे नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत का भी वर्णन किया जहां वे निवास करते हैं। भक्तों में रम जाने वाला भी कहा अपने आप को, एक रूप वाला ओंकार भी कहा, पर हम फिर भी नहीं उन्हें पहचाने। सारा दोष हमारा ही है रानी। अब इस दोष का निवारण कैसे होगा? हमें शीघ्र ही पार्वती का विवाह भगवान शिव से करना होगा। पार्वती का विवाह शिव से? उस भभूतधारी शमशान विहारी सर्पधारी शिव से? रानी, एक ही भूल को दूसरी बार करने की भूल करोगी तो हमारा जीवन भी भूल बनकर रह जाएगा। विवाह की तैयारियां करो महारानी। किंतु परंतु की नैया कभी किसी किनारे नहीं लगती है मैना रानी। मैंने निश्चय कर लिया है कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से ही होगा। नानावराज महाबली तारकासुर की जय। आओ गुप्तचर, हमें तुम पर गर्व है। तुम नित नए समाचार और सूचनाएं लेकर आते हो। कहो आज का समाचार लेकर आए हो। महाबली, आज का समाचार तो विशेष है ही, पर अशुभ भी है। गुप्तचर, इस सिंहासन पर बैठकर हमें अशुभ समाचार सुनने का अभ्यास हो चुका है। कहो क्या कहते हो? हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शिव के साथ करने का निश्चय कर लिया है। पार्वती पार्वती पार्वती, इसी पार्वती ने अपने तप की ज्वाला शक्ति से हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया और अपने चमत्कार से हमारे सेनापति और सैनिकों को जला डाला। हम उसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। पर महाबली, हम पार्वती से प्रतिशोध कैसे ले सकेंगे? वह हिमालय भवन के सुरक्षित स्थान में रहती है जहाँ चारों ओर ऋषि मुनियों का वास है। हम सारे हिमालय राज्य को ही समाप्त कर देंगे। महाबली की जय हो। आज्ञा करें स्वामी। सेनापति भद्रासुर, हमें शीघ्र ही हिमालय राज्य पर आक्रमण करना है और वहां तोड़फोड़ कर पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट करना है। तोड़फोड़? तोड़फोड़ क्यों महाबली?
हमारे सेनापति होकर मूर्खों की भांति भ्रष्ट करते हो। तोड़ फोड़ नष्ट भ्रष्ट करना हमारा स्वभाव है, हमारे जीवन का ढंग है, हमारे उद्देश्य का अंग है, क्योंकि हम दानव हैं। ऐसे प्रश्न मानव करते हैं, दानव नहीं। जाओ आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। दैत्यराज महाबली तारकासुर की जय। दैत्यराज महाबली तारकासुर की जय। दैत्यराज महाबली तारकासुर की जय। सबको कोई भी हो ऋषि यमुनि अंत कर दो इन सबका। Ha 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 ha